आज हम देखेंगे बटाका पोहा फॉर बिगनर्स। आइए हम देखेंगे बटाटा पोहा, उसके लिए सामान क्या क्या लगता है वो देखते हैं। पहले सामान लगेगा दो बड़ी कटोरी पोहा लेना है, जो बटाका हम जो कांदे पोहे बनाते हैं वही पोहा है वो लेना है, भिगो के लेना है। एक नींबू, एक मीडियम साइज़ का बटाटा कच्चा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में पीसेस में कट करना है, बहुत छोटा करना है, जितना हो सके उतना छोटा करना है। दो तीन हरी मिर्ची, हल्दी, जीरा, मोरी, कड़ी पत्ता, शेंगदाने, मीट और नींबू। आइए, मैंने पैन में तेल गरम करने के लिए रखा है। पहले फिर उसमें शेंगदाना डालेंगे, पहले तो शेंगदाना अच्छे से फ्राई हो जाएगा और शेंगदाने के साथ साथ ही बटाटा डालेंगे। ये मैंने बटाटा पूरा एक थोड़ा बड़ा साइज का बटाटा लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में उसकी छाल निकाल के मैंने कट किया है। थोड़े मीडियम गैस पे ही इसको फ्राई करना है तो अच्छे से वो हो जाए। थोड़ा ढक के रखेंगे तो वो जल्दी पक जाएगा। आगे दो तीन मिनट के बाद उसको चेक करेंगे हम, पका है क्या नहीं। वैसे तो पक जाता है एक दो मिनट में ही पक जाता है। इसे कट करके देखेंगे तो भी वो समझ में आएगा कि वो पका है कि नहीं, उसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो समझ लेना ये पक गया है। इसमें थोड़ा साइड में लेके कड़ी पत्ता डालेंगे, पाँच दस मिनट, 5 मिनट ही उसको फ्राई करेंगे। थोड़ा गैस फुल करेंगे, फिर उसमें डालेंगे हरी मिर्च, फिर उसमें डालेंगे हल्दी। मैंने यहाँ पे माप के ही लिए थे, आप अपने हिसाब से आधा पाउंड चमचा हल्दी डाल सकते हैं और टेस्ट अनुसार नमक, ये मैंने आधा से थोड़ा ज़्यादा नमक लिया था। अब हम उसमें डालेंगे भिगोए हुए पोहे। पोहे को पहले ही भिगो के रखना है थोड़ा सा, जैसे हम नॉर्मल भिगोते वैसे ही पूरा पानी निकाल के रखना और बाकी का फिर कटिंग वो सब करना, तो तब तक ये अच्छे से भीग जाते हैं। उसमें डालेंगे हम मैंने उसको थोड़ा ढक के रखा था तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसमें डालेंगे हम नींबू, लगभग मैंने एक नींबू डाला है। गैस बंद कर दो तो भी चलता है, गैस बंद करके ही नींबू डालना तो उसका फ्लेवर रहेगा और कड़वा नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लो। और उसमें थोड़ा 1 स्पून शक्कर डाल दो, अगर किसी को पसंद है तो डालो, नहीं डालो तो भी चलेगा। इसमें हम धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया से तो बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी तो लॉकडाउन है तो मेरे पास खत्म हो गया है। ये हो गए हमारे गरम गरम पोहे, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये कोई भी बना सकता है, छोटे बच्चे भी बना सकते हैं।